मध्य प्रदेश चुनाव और छत्तीसगढ़ चुनाव का चुनावी बिगुल बजने के साथ ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस, भाजपा और अन्य राजनीतिक दल एक्टिव हो चुके थे और अपने चुनावी प्रचार की ओर बढ़ गए थे। छत्तीसगढ़ में भी मरवाही का एक मास सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और कल उसकी वोटिंग है। विकास उपाध्याय जो एक युवा नेता हैं, रायपुर के विधायक हैं, कभी कभी अपने जनता के मुद्दों को लेकर अपने सरकार से ही सवाल खड़े कर देते, अभी हमारे साथ हैं। आपका TCB 24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश उपचुनाव का दौरा था, आप लगातार दौरे पर गए थे। जो पार्टी सत्ता पे बैठी थी, कांग्रेस के ही कुछ नेता सत्ता से दल बदल कर कहीं और चले गए, उपचुनाव की स्थिति बनी। अभी आप चुनाव प्रचार करके आ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार वापस आएगी? कमलनाथ जी मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव छत्तीसगढ़ और राजस्थान के साथ में हुए थे। 2018 में चुनाव हुए थे, 5 साल बाद चुनाव होने थे। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और 15 साल की सरकार के बाद कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला था और कांग्रेस के कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी। कुछ चुनिंदा लोग अपने फायदे के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अपने लाभ और लोभ के लिए पार्टी के साथ तो उन्होंने दगाबाजी की। जनता जो जनमानस है, जो वोट देकर हमको सत्ता पर बिठाती है, उसके साथ भी उन्होंने गद्दारी करने का काम किया और यह संदेश पूरा देश में है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक कांग्रेस की सरकार, नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, पूरी सरकार को दल बदल करा के पैसे के लालच दे के दबाव में उस सरकार को बदल दिया। उसी प्रकार कर्नाटक के चुनाव को आपने देखा है, कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के अलायंस की सरकार बनी थी, किस प्रकार से वहाँ लोभ लाभ देकर उसको गिराने का काम किया। राजस्थान में भी उसका प्रयास किया जा रहा था लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। मध्य प्रदेश में कुछ चुनिंदा लोग, मैंने आपको बताया, जो अपनी फायदे के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए वो लोग पार्टी छोड़कर गए, वहाँ पर उपचुनाव हुआ। जो 5 साल में चुनाव होना था वो 1.5 साल में चुनाव हुआ। जनता का पैसा होता है, चुनाव में पैसा लगता है, पूरा सिस्टम लगता है, इन तमाम चीज़ों को जनता जान चुकी है। और जिन सीटों पर बाई इलेक्शन हुआ है उन सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीत कर आएगी, इसलिए कि जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया था और इस बहुमत नहीं पाकर भारतीय जनता पार्टी ने पैसे में दल बदल करने का काम किया है और उसको जनता कभी भूल नहीं रही। और वोटर साइलेंट है, हम लोगों को ऑब्जर्वर बनाया गया, बहुत अलग अलग नेता इस प्रदेश में ऑब्जर्वर, बिहार में भी गए, गुजरात में भी गए और मध्य प्रदेश में भी गए, सब जगह स्थितियाँ इसी प्रकार की है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की सरकार पुनः वहाँ बनेगी, हम ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीत कर आएंगे और जनता का विश्वास हमने पहले भी जीता था। और 1.5 साल में कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 15 साल के कंपेरिजन का काम किया, इसीलिए उनके नेता तुलना करते हैं कि 15 साल की तुलना 1.5 साल से करते हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1.5 साल में वहाँ के मुखिया ने कितना काम किया होगा, कमलनाथ जी ने कितना काम किया होगा। उसी को लेकर हम जनता के बीच में गए हैं, दल बदल की बात है, तो इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और ज़्यादा लोग जीत कर आएंगे। जहाँ एक और बात आती है कि प्रशासनिक दबाव कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में, इस बात की बात कि प्रशासन जो है बीजेपी के साथ मिलकर कार्य कर रहा है, क्या इस बात को आप मानते हैं? देखिए, प्रशासन तो भारतीय जनता पार्टी ने उसकी परिभाषा को बदल दिया है। महाराष्ट्र के अंदर में चुनाव हुए थे, कांग्रेस और उनकी अलायंस पार्टी या जिसने बहुमत प्रेजेंट किया, वो लोगों की उनको राज्यपाल को कॉल करके शपथ दिलानी थी, लेकिन यकायक सवेरे 6 बजे जो फडणवीस जी पहले मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, उनको बुलाकर 6 बजे शपथ दिला दी गई। वेस्ट बंगाल के अंदर में माया ममता बनर्जी जी की चुनाव की सरकार है, वहाँ किस प्रकार से राजभवनों को राजनीति का अखाड़ा बनाकर वहाँ पर प्रेशराइज किया जा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। छत्तीसगढ़ की स्थिति भी तो वर्तमान में, देखिए, छत्तीसगढ़ में तो बहुमत से ज़्यादा सीटों पर हम लोग चुनाव जीते और जनता ने, और 15 साल कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि सड़क से लेके सदन तक रात दिन लड़ाई की, हम लोग लाठी खाए हैं, जेल गए हैं, जनता की आवाज़ को बुलंद हम लोगों ने किया और सड़क पर हम लोग उनके लिए लड़ने का काम किया, जिसका परिणाम कि बहुमत से भी ज़्यादा सीट पर हम चुनाव जीते। जनरल चुनाव के बाद 2 जगह बाई इलेक्शन भी हुए, उन बाई इलेक्शनों में भी कांग्रेस पार्टी बहुत मतों से चुनाव जीती।
जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव हुए उसमें भी कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप है, सबसे ज़्यादा सीटों पर सबसे ज़्यादा प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी जीती। तो ये बात स्पष्ट है कि कांग्रेस का बहुमत जनता के साथ है और जनता की लड़ाई को लेकर हम लगातार लड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति यहाँ कभी बनने वाली नहीं है। मरवाही चुनाव पर आते कि मरवाही चुनाव का दौर बिल्कुल भी बच चुका है और वोटिंग की प्रक्रिया भी अब शुरू होने वाली है, तो अब जैसे कि बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कहती है कि कहते थक नहीं रही है कि अब जो कांग्रेस की सरकार का जो जो वक्त था वो कहीं बीत चुका है, जो बोलते हैं कि जो 2 साल बीत चुका, तो अब जनता है वो कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर रही, कहीं ना कहीं अब ये जो वक्त है वो बदलने वाला है मरवाही चुनाव के दौरान। मरवाही चुनाव को अगर पहले से आप देखेंगे तो उसके वोटिंग ट्रेंड को आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को कांग्रेस का वोट बैंक है, कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाले लोग कांग्रेस को वोट देते हैं। उसके बाद 20 साल राज्य बने हो गया, 20 साल में उस विधानसभा क्षेत्र में जितना विकास कार्य नहीं हुए उतने विकास कार्य अब वहाँ होने जा रहे हैं, और लगातार मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में सोचा है और वहाँ डेवलपमेंट विकास के लिए बहुत सारी योजनाओं को लाने का काम और कर रहे हैं। उसी का फायदा इस चुनाव में हम लोगों को मिलने वाला है और हम लोग वहाँ चुनाव जीतेंगे। कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आ रही है कि जो मरवाही का वोटर है, जैसे आपने कहा कि मध्य प्रदेश का वोटर बड़ा साइलेंट है, मरवाही का वोटर भी वहाँ पर बात आ रही है कि बड़ा ही साइलेंट है। जोगी का भारतीय जनता पार्टी में चला जाना क्योंकि एक अलग राजनीतिक दल बनाने के बाद भी सत्ता में आ गए, तो क्या जैसे कि भारतीय जनता पार्टी क्या वो वोट जो वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी की ओर जाएगा? देखिए भारत जब जोगी जी कांग्रेस को छोड़कर गए तो वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में उन्होंने काम कर रहे थे, ये किसी से छुपा नहीं है। यही रमन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जोगी जी के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं, सहानुभूति हम सब की है, लेकिन उनके जाति के विषय पर बात आती थी तो उस समय वो लोग विधानसभा में भी और हर जगह खड़े होकर बात करते थे, नकली आदिवासी और असली आदिवासी की बात करते थे। अब जब राजनीतिक स्वार्थ लेना है, जोगी जी तो इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन उनकी सहानुभूति, उनके जो उनको जानने वाले लोग हैं या उनका व्यक्तिगत वोट है उसको लेने का काम भारतीय जनता पार्टी चाहती है करना, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सहानुभूति उस परिवार के साथ दिखा रही है। हम तो शुरू से इस बात को कह रहे हैं जो 20 साल में भारतीय जनता पार्टी उनकी जाति विशेष की बात को लेकर मामले को पेंडिंग रखती गई, हम सरकार या जो जजमेंट हुआ वो एक जायज जजमेंट हुआ है जो होना चाहिए, और उसी का परिणाम हुआ कि अब प्रत्याशी कांग्रेस के वहाँ पर हैं और उसके पक्ष में एक अच्छा वातावरण बना हुआ है। अब तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जो है मतलब भारतीय जनता पार्टी है वह लगातार यह कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगा रही है कि प्रशासनिक दबाव बनाया जा रहा है मरवाही क्षेत्र पे, कलेक्टर रूपे कार्य नहीं करने दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये भी सत्ता के गलियारों में ये भी चर्चा चल रही है कि बकराभात की चर्चा के बराबर बकराभात वहाँ पर बढ़ रहा है, तो क्या इसको जैसे कि मध्य प्रदेश की भी हमने बात की, आपने कहा कि राज्यपाल और इनके निर्देशन पर कार्य हो रहा है, बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर दबाव बना रही है, तो क्या छत्तीसगढ़ में इसी प्रकार की स्थिति है? देखिए भारतीय जनता पार्टी रमन सिंह, राजेश मूणत जी, मंतूराम पवार का मामला किसी छुपा नहीं है, जोगी जी उस समय जीवित थे और किस प्रकार से एक राजनीतिक दल, केंद्रीय राजनीतिक दल जो सबसे बड़ा दल आज की तारीख में है, उस दल के प्रत्याशी को एंड चुनाव के समय उसका विड्रॉल कराना, ये किस प्रशासनिक दबाव के कारण ये काम किया गया था और किस लालच के कारण ये काम किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी और जोगी जी दोनों मिले हुए हैं, और जिस प्रकार से उस समय मंतूराम पवार के प्रकरण को पूरी दुनिया ने देखा है और छत्तीसगढ़ के लोग इन चीज़ों को कभी मानते नहीं हैं और इसको कभी कबूल करने वाले नहीं हैं, इसीलिए मरवाही अंतागढ़ में चुनाव हुआ और हम लोग चुनाव में कैसे स्थिति रही पूरी दुनिया को मालूम है, और आज की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को जनता पहचान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव के पहले मंचों में खड़े होकर बड़े बड़े बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं और वो सोचते हैं कि इस झूठ को एक बार झूठ बोलकर आप जीत सकते हैं, दो बार आपको लोग मदद कर सकते हैं, लेकिन बार बार आप अगर ये सोचते हैं कि झूठ के बिसात पर आप राजनीति करेंगे तो आपको कोई मदद करने वाला नहीं है। जब आप विपक्ष में थे, कांग्रेस पार्टी जब विपक्ष में थी, तो एक वक्त था जब गंगा जल हाथ में लेकर शपथ खाई गई थी कि पूर्ण शराबबंदी होगी, वह वादा अभी भी अधूरा है। देखिए कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र पर अमल कर रही है और हम लोग 36 वादों को हम लोगों ने पूरा कर दिया है।
शराबबंदी को लेकर हमारे नेता या हमारी पार्टी की एक मत एक राय है कि शराबबंदी इस प्रदेश में होगी। शराबबंदी करने का उसका स्वरूप क्या होगा, अगर इसको सभी स्वरूप को नहीं देखते हुए सबको बातचीत करके, सभी जाति धर्म के लोगों से बातचीत करके, अलग अलग सामाजिक संगठन हैं, अलग अलग धार्मिक संगठन हैं, सबसे बातचीत करके इसके इसको कैसे बंद किया जाए। हमको ऐसे बंद नहीं करना है जैसे गुजरात दो साल का वक्त तो पार्टी को नहीं बता दिया। देखिए उसमें समिति विधायकों की समिति बनी है, एक हाई पावर कमेटी बनी है, उस हाई पावर कमेटी में सोशल समाज के सामाजिक संगठन के लोग, NGOs, अलग अलग राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि है उन सबको शामिल किया गया है और उनसे बातचीत करके कैसे शराब तो बंद करना है। गुजरात और बिहार टाइप पे तो नहीं करना है कि शराब तो बंद है, आपने घोषणा की शराब बंद है, लेकिन अंदर खाने से बाद दो नंबर के गेट से शराब भरपूर आ रही है, जितनी शराब पहले बिकती थी उससे डबल लोग ब्लैक मार्केटिंग करके वहाँ अवैध शराब का व्यापार कर रहे हैं। उस प्रकार की स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं आएगी, शराब बंद होगा इस प्रदेश में, ये हमारे नेताओं के वक्तव्य हैं और हमारे नेता इस बात पर अड़िग हैं। और आप देखिए शराब इस प्रदेश के अंदर में 100% बंद होगा। अब कुछ वक्त बाद EVM का बटन दबना शुरू हो जाएगा, अब क्या क्या मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की कैसी जीत होगी, कितना अंतर होगा वोटों का? देखिए जहाँ जहाँ बाई इलेक्शन हो रहे हैं उन वहाँ पर कांग्रेस की जीत हासिल होगी और कांग्रेस के काम को, कांग्रेस जनता के कामों की लड़ाई को लड़कर यहाँ पर पहुँची है और ज़रूर उसका फ़ायदा हमको मिला है। सरकार हमारी बहुमत से ज़्यादा सीटों पर बनी, अब जब बाई इलेक्शन की बात है तो भी हम पर विश्वास जनता कर रही है और उसका फ़ायदा हमको मिलेगा। तो हमारे साथ थे रायपुर के विधायक विकास उपाध्याय जी। तो 3 तारीख अर्थात कल जनता अब जाएगी पोलिंग बूथ पर जाकर चुनावी जो EVM पर बटन दबाकर, और यह तय करेगी कि आखिरकार मरवाही की जनता, मरवाही की जो गद्दी पर बैठने वाला वो नेता कौन होगा। उसके बाद 10 तारीख को पिटारा खुलने के बाद यह साफ हो जाएगा कि वह व्यक्ति कौन होगा जो मरवाही पर सत्ता पर राज करेगा। मैं अरुण के साथ रोहित बर्मन, TCP News रायपुर।